नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां सदर कोतवाली इलाके में 2016 में चर्च के बाहर धमाका कर सनसनी फैलाने वाले दो संदिग्धों को पुलिस ने 3 साल बाद गिरफ्तार करने में आखिरकार सफलता पाई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दावा किया है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उन्हें इस चर्च पर हमला करने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे। बहराइच का रहने वाला कमरुद्दीन ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ऐसा करने के लिए कहा था। पकड़े गए दोनों अभियुक्त खीरी जिले के रहने वाले हैं, साथ ही इनके कब्जे से कारतूस और असलहा भी बरामद किया गया है। इस संबंध में एसपी खीरी पूनम ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। 17/9/2016 को क्राइस्ट चर्च मोहल्ला कपूरथला लखीमपुर पर एक विस्फोटक पदार्थ से हमला किया गया था, जो कि एक क्रूड बॉम्ब था। उसके खुलासे के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था, परंतु अब 3 साल बाद ये जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दो अभियुक्त रामलाल पुत्र राम अवतार, जो कि रहने वाला धोरारा थाने का है, और एक है सज्जन अली पुत्र माशूक अली, जो कि निघासन थाने का रहने वाला है, ये दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए और कारतूस बरामद हुए हैं, और पूरे घटनाक्रम को इन लोगों ने स्वीकार किया है और बताया है कि एक जो कमरुद्दीन है, कमरुद्दीन उर्फ कमरू, जो कि बहराइच का रहने वाला है, और एक गुड्डू है, ये भी अभियुक्त इसमें शामिल थे, और कमरुद्दीन ने इनको दोनों को 2 लाख रुपए देने का लालच दिया था कि 2 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, इस जगह पर ये घटना को अंजाम देना होगा। और इस घटना में कमरू इनके साथ जगह पर शामिल था साथ में, और घटना के बाद मात्र 7,000 रुपये उसने इन लोगों को दिए थे। और जो एक गुड्डू अभियुक्त है, यह बहराइच जेल में है, और कमरू की गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। मोटिव इन दोनों अभियुक्तों का मोटिव पैसा लेने का था, जो कि 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से मात्र 7,000 रुपए इनको दिए गए। और जो कमरू है, उसके संबंध में जो अभी तक की जानकारी में इन दोनों अभियुक्तों से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये संगठित तौर पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, और संवेदनशील जगहों को ये चुनते हैं जिससे सनसनी पैदा हो, और उसकी गिरफ्तारी के बाद बाकी जो ओवरऑल उसका मोटिव है वह स्पष्ट हो पाएगा। और यह है क्योंकि चर्च एक धार्मिक जगह थी, इसलिए इसको इन दोनों लोगों ने चुना था। अभी पूछताछ में इतना बताया है कि घटना करके ये जो अभियुक्त है कमरू, ये नेपाल चला जाता था, और बाकी हो सकता है कि आसपास के जहां कहीं पर ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां भी हमने संपर्क किया है, और जो मुख्य अभियुक्त है इसकी गिरफ्तारी के बाद वह सब स्पष्ट हो पाएगा कि और कहां कहां घटनाओं को अंजाम दिया है। ये जो दो अभियुक्त है, इन दोनों ने यहीं इसी जिले में घटना को अंजाम दिया था। हो सकता है कि अन्य जनपदों में जहां कहीं इस तरीके की घटना हुई हो, वहां से किसी व्यक्ति को हायर करके इस तरीके की घटना कमरू ने कराई हो। प्रयास उसमें केस को वर्कआउट करने के लिए काफ़ी किए गए थे उस समय, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो हुई थी, उसके बाद भी लगातार ATS के द्वारा भी और जनपद में भी पुलिस के द्वारा इस पर काम जारी रहा, और ये इनपुट जब प्राप्त हुआ, जानकारी हुई और बेहद छानबीन इसमें की गई, तब यह घटना वर्कआउट हो पाई, और अब फिर से केस को नए सिरे से उसमें विवेचना शुरू करते हुए इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जा रही है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।